सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का एम पासबुक। एम पासबुक क्या है? एम पासबुक से आप अपनी पूरी पासबुक की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। वो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी पूरी पासबुक की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल पहले की, कि कब उसमें क्रेडिट हुआ है, कब डेबिट हुआ है, मतलब कब पैसे को भेजा गया है, कब पैसे आया है, ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो ये कैसे देख सकते हैं, तो आज इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं और किसी बैंक का चाहिए आपको ऐसे देखने के लिए, तो आप हमें कमेंट में नाम, बैंक का नाम लिख के बताइए, ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं। तो चलिए अभी हम पंजाब नेशनल बैंक का देख लेते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में आना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको आपको ये पीएनबी एम पासबुक को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए, ऑलरेडी हमारा है तो इसका लिंक हम नीचे है, नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीएनबी एम पासबुक को डाउनलोड किए हुए हैं, तो हम ओपन पर क्लिक करते हैं। तो आपको प्लीज वेट, उसके बाद आपको यहाँ पे भाषा आएगा, अपनी लैंग्वेज को चयन करें भाषा। तो अभी हम इंग्लिश में बताने वाला है, तो चलिए हम इंग्लिश पर, यहाँ इंग्लिश पर जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ रहेगा प्रोसीड, आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कस्टमर आई डी, कस्टमर आई डी वहाँ पर रहेगा, आपके जो अकाउंट है, अकाउंट नंबर तो ऊपर कस्टमर आई डी रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है, जो पासबुक में लिखा रहता है कस्टमर नंबर लिखा रहता है वही है, मगर यहाँ पर आई डी दिखा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं, हम आपको एक डीमो दिखा रहे हैं अपने पासबुक का, तो यहाँ पर रहता है, तो आपको भी वहाँ का जो कस्टमर आई डी है यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना कस्टमर आई डी डाल देते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अलाउ करना है, फिर अलाउ करना है। यहाँ पर जियो, आइडिया, वोडाफोन, जो भी आपका आपका अकाउंट से रजिस्टर्ड होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब तक आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये देखिए, अभी हम इंटरनेशनल कंट्री में, इसके लिए इस तरह का हमारा रोमिंग मशीन है, इसलिए इसे दिखा रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वोडाफोन का ही है, और इस तरह ये दिखा रहा है क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ का पकड़ लिया। तो चलिए, अभी हमारा वोडाफोन है तो नेटवर्क, तो आपको भी अपना सिम को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जियो वोडाफोन आइडिया होगा। तो अभी हम अपना कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई करेगा आपका सिम ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हो सकता है आपके मोबाइल में 2 रुपया होना चाहिए, क्योंकि ये 2 रुपया चार्ज करता है एक बार में। और देखिए, जैसे वो यहाँ पर आता है एम पिन, यहाँ पर एम पिन डालना है 4 डिजिट के यहाँ पर और 4 डिजिट के यहाँ पर। तो चलिए, कोई भी अपने मनपसंद लगा लीजिए, तो हम कोई लगा लेते हैं। और अपने मनपसंद लगाने के बाद जो आपको याद रहना चाहिए, और प्रोसीड पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर सेट सक्सेसफुल, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। और भी अभी हम जो पिन को लगाए हुए हैं वही पिन यहाँ पर भी डालना है इसको लॉगिन करने के लिए। तो चलिए हम डाल लेते हैं और लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। तो अपने मनपसंद अपना लगा सकते हैं, जो भी आपको याद करके रखना होगा। तो प्लीज वेट, कोई देर वेट, ओके। यहाँ पर देखिए, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट में बैलेंस है वो शो कर रहा है यहाँ पे, और हमारा अकाउंट नंबर यहाँ दिखा रहा है, थोड़ा बहुत दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा नाम शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें मिनी स्टेटमेंट देखना है, तो आपको इसी नाम पे या अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है। तो चलिए हम नाम पे ही क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन, तो अगर हमें 10 ट्रांजेक्शन देखना है, कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है, मतलब कितना आया गया, आया है और कितना गया है, उसमें से 10 ही दिखाया है आपको। अगर मैं आपको 3 महीने का रिकॉर्ड देखना है या 2 साल पहले का देखना है, तो हम आपको हम लास्ट 10 ट्रांजेक्शन के बाद अभी बता देते हैं, उसके बाद अभी हम वो भी बताएंगे। तो मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, तो चलिए हम क्लिक किए। और देखिए यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, क्रेडिट कब हुआ है, डिपॉजिट कब हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। और अगर मैं आपको देखना है तो हम बैक चलते हैं, और देखिए यहाँ पे डेट, तो जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो 11 तारीख अगस्त 2018 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो तारीख नीचे दिखाता है, जब भी लॉगिन करेंगे वो तारीख यहाँ दिखाएगा, ठीक है। और उसके हम जैसे दिखा रहे हैं ना, तो इसके पीछे का रिकॉर्ड बताएगा 3 महीने, यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम 90 डे, तो इसके पीछे का रिकॉर्ड बताएगा। और हमको अगर मैं 2017 का 2015 का देखना है, ठीक है, तो देखिए अभी हम इसका बता देते हैं, अभी 3 महीने का हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं पीछे का रिकॉर्ड, हम अभी आपको 2017 का भी दिखाएंगे।
देखिए यहाँ पे अभी हमने जून जुलाई में कोई भी डेबिट नहीं किए हैं, जो कि क्रेडिट बस हुआ है, हमारे अकाउंट में बस पैसे आए हैं, ठीक है। और अभी हम 2017 का दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैक जाना है, तो देखिए अभी हम चलते हैं 2017, तो देखिए अभी हम सितंबर 2017 और 1 तारीख डाल लेते हैं, और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए सितंबर से आगे का अब दिखाएगा, ठीक है, सितंबर से अब आगे का दिखाएगा 3 महीने का रिकॉर्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जब सेट करेंगे ऊपर वाला ना डेट, तो ऑटोमेटिक ये 3 महीने के लिए नीचे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी हम स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा कितना क्रेडिट हुआ है, कि भाई तो सब चीज़ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे सब चीज़ दिखा रहा है, ये कोड है सब चीज़, कि हम किन के अकाउंट में भेजे थे, कब पैसा आया था, कब गया था, यहाँ पे सब चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको देखना है कि कितना हमारे अकाउंट से डेबिट किया गया है, मतलब कितना ट्रांसफ़र किया गया है, तो इस पर क्लिक करना है और डेबिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, तो सब चीज़ दिखा रहा है कि हमने कितना कितना डेबिट किया है, ठीक है, और तारीख भी दिखा रहा है। अगर मैं आपको देखना है कितनी तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आया है, तो जो लास्ट में दिख रहा है कॉर्नर पे राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है, फिर क्रेडिट पर क्लिक करना है। तो जैसे क्रेडिट पर क्लिक करने का मतलब कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया है, तो देखिए यहाँ पर तारीख भी दिखा रहा है, तो इतने इतने तारीख को पैसा आया, इतने इतने हज़ार और इतने इतने रुपये आए थे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपको एक देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ करना है, फिर ओपन नाउ पर क्लिक करना है, तो कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड वही होता है जो आपका अकाउंट नंबर होता है। तो चलिए हम अपना अकाउंट नंबर डाल लेते हैं, और अकाउंट नंबर डालने के बाद हम ओपन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हम ओपन पर क्लिक किए हैं, तो हमारे ऊपर हमारा एड्रेस दिखा रहा है, तो हम एड्रेस को हाइड किए हुए हैं अपने एड्रेस को, और आपको देख लेना है, देखिए यहाँ पर सब रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको गैलरी में लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में 3 बिंदु दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड कर देना है, ठीक है, तो आपको वो गैलरी में चला जाएगा। तो चलिए अभी हम बैक चलते हैं, तो आप इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लॉगआउट होना है, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो लाइन दिख रहा है, और यहाँ पर लॉगआउट, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लॉगआउट होने के बाद आप यहाँ पे चले आएंगे, तो आपको जब भी इसमें देखना होगा, तो अपना एम पिन जो बनाए रहेंगे, हम फिर से दिखाते हैं आपको, और जो हम बनाए थे फिर डाले हैं, और फिर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो फिर वहीं पर आप जाएगा, देखिए। तो आपको एक बार बस रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको एम पिन से ही हमेशा लॉगिन हो सकते हैं। तो अभी कुछ देर वेट करना है आपको, तो देखिए फिर हमारा शुरू से हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस भी हमारा दिखाने लगा, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको किसी और बैंक का जानना है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।